अशोक गहलोत भी ये आप देख सकते हैं वो पहुंच चुके हैं और कांग्रेस की जो परंपरागत टोपी होती है वो इस वक्त अशोक गहलोत ने उस नेहरू टोपी को पहना हुआ है। दरअसल गांधी टोपी है ये, क्योंकि नेहरू से पहले गांधी और गांधी के बाद नेहरू और फिर दरअसल ये टोपी कांग्रेस का एक प्रतीक बन गई, प्रतीक चिन्ह बन गई। और जब कभी राष्ट्रीय पर्व का मौका होता है या पार्टी का अधिवेशन होता है तब आप देखते होंगे कि इस तरह की जो टोपी है वो अक्सर कांग्रेस के लीडर पहने हुए नजर आते हैं और उसी लिबास में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त पीसीसी से देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल पीसीसी से हैं जहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत तमाम गणमान्य पहुंच चुके हैं और अब आगे ध्वजारोहण का कार्यक्रम ये देखिए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने ध्वजारोहण किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये ध्वजारोहण किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत तमाम गणमान्य यहां पर इस वक्त कांग्रेस के मौजूद हैं। देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीसीसी में ध्वजारोहण किया है। प्रदेश में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम होने हैं। एसएमएस स्टेडियम में भी कार्यक्रम होना है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। इसके अलावा राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी रहेगी। साथ ही इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पीसीसी से है जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष ध्वजारोहण किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही कई गणमान्य इस वक्त मौजूद हैं। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस वक्त पीसीसी में हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ध्वजारोहण यहां पर किया गया है, राष्ट्रगान हुआ है और अब धीरे धीरे जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा और राज्य स्तरीय आज कई कार्यक्रम होने हैं। तो देश के कोने कोने में आज गणतंत्र दिवस की जो धूम है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तमाम नेता पारंपरिक गांधी टोपी में नजर आ रहे हैं और जब कभी राष्ट्रीय पर्व का मौका होता है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है या कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो तब इस तरह की पोशाक नजर आती है, ये टोपी नजर आती है जो प्रतीक है देश की आज़ादी का, जो प्रतीक है आज़ादी के लिए किए गए आंदोलनों का, संघर्षों का, जो प्रतीक है कांग्रेस का। और आज पीसीसी में जब देश अपना 70वां गणतंत्र मना रहा है और पीसीसी में कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हो जाती हैं कि देश आज 70 बरस देश के संविधान को हो गए हैं, देश के गणतंत्र को हो गए हैं। और इसी तरह की तस्वीरें आज देश के कोने कोने में आपको नजर आएंगी। हर पार्टी के कार्यालय में, देश की राजधानी दिल्ली में, जयपुर में, हर जगह आज गणतंत्र दिवस की जो धूम है वो दिखाई देगी।
सीएम अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और 70वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया है और अब ये कार्यक्रम आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट कार्यक्रम के अनुसार अब आगे बढ़ते हुए। आज दरअसल राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम होने हैं जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत हो रही है वो पीसीसी से हो रही है जहां पर पीसीसी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ध्वजारोहण किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम गणमान्य मौजूद हैं। तो देश और प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पीसीसी में ध्वजारोहण हो चुका है और अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज दरअसल राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम होने हैं और इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस पर वो बड़ी चौपड़ में है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पीसीसी से रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप पीसीसी से देख रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब आगे रवाना होते हुए। तो देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी जयपुर तक गणतंत्र दिवस की धूम है और आज देश के संविधान को लागू हुए 70 वर्ष हो गए हैं, यानी कि आज से देश में कानून के राज की शुरुआत हुई। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है और आज पूरा देश इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहा है। और सीधी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो पीसीसी से हैं जहां से थोड़ी देर पहले ध्वजारोहण किया गया है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम ने ध्वजारोहण किया है जो कि पीसीसी अध्यक्ष भी हैं। भारत दीक्षित का रुख करेंगे जो कि इस वक्त पीसीसी में मौजूद हैं। भारत पीसीसी में तो ध्वजारोहण हो गया, डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने ध्वजारोहण किया है, अब आगे क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का? जी बिल्कुल, मैं आपको अनुप बता दूं कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया था। इस दौरान काफी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद थे, उनको मिठाई यहाँ पर बांटी, जिसके बाद सीएम सीधे पीसीसी यहाँ पर पहुंचे जहाँ पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट है, डिप्टी सीएम सचिन पायलट है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर झंडा रोहण है वो किया गया। इस दौरान बात की जाए तो पूर्व पीसीसी चीफ चंद्रवाल भी यहाँ पर मौजूद रहे, विधायक महेश जोशी भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ अपने कक्ष में यहाँ पर मौजूद है, इसके बाद सीधे बड़ी चौपड़ के लिए यहाँ से रवाना होंगे जहाँ पर झंडा रोहण किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो भारत दीक्षित हमारे संवाददाता आगे का जो शेड्यूल है वो बता रहे थे कि अब जो अगला कार्यक्रम है वो बड़ी चौपड़ में होना है और पीसीसी में तो ध्वजारोहण हो गया, अब आगे का जो कार्यक्रम है वो बड़ी चौपड़ और उसके बाद धीरे धीरे आज जो कई राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट शिरकत करेंगे, लेकिन आज गणतंत्र दिवस की जो धूम है वो पूरे देश में आज दिखाई दे रही है, सुनाई देगी। भारत अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता है और इस बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि पधारे हैं। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। साथ ही खास क्यों है 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, इसे भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल वर्ष 1929 के दिसंबर महीने में
लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में प्रस्ताव हुआ पास हुआ कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देता तो भारत खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। और इसके बावजूद 26 जनवरी 1930 को जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने उस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन शुरू कर दिया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और इसके बाद भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। उस दिन से 1947 में देश के आज़ाद होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा और इसके बाद देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 तक तैयार हो गया था। तब जो नेता थे उन्होंने 2 महीने और रुकने का फैसला किया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन देश को संविधान मिला और गणतंत्र दिवस के रूप में तभी से लेकर 26 जनवरी को मनाया जाता और आज देश के गणतंत्र को स्थापित हुए संविधान को लागू हुए 70 वर्ष हो गए हैं। 70 वर्ष हमारे गणतंत्र को भारत के आज़ाद होने के बाद ही संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा ने अपना जो काम है वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया था और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सौंपा गया और इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष ये मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन तक बैठक की और इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की आज़ादी थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान को हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप में इसे मान्यता दी गई और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दरअसल एक प्रमुख कड़ी निर्माता संविधान के द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें कहा जाता है। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे और संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं जिसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान को लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहते द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की। उसी संविधान पर आज देश 70 वर्षों से चला आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 2 प्रतियां जो हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई, भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस की पहली जो परेड है वो 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी और 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय सेना वायुसेना और नौसेना के बैंड हिस्सा लेते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को
आमंत्रित किया गया है। हालांकि पहले चर्चा थी कि